हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के हैंडराइटिंग नोट्स लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत। विद्युत आवेश की उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है, उसी को हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत आवेश की उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है, उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है, नाभिक। तो परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक आवेश पर इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसका आंसर हुआ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। चलिए अगला जो पॉइंट है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों मान लीजिए, जब आपके पास प्लस प्लस आवेश रहेगा और प्लस आवेश रहेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा कि टेलेगा, ठीक है। ये एक दूसरे को टेलेगा, ठीक, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। चाहे वो माइनस का क्यों नहीं हो, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब होता है दोस्तों कि एक हुआ माइनस का और दूसरा का हुआ प्लस का, ये जो है एक दूसरे को खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो देखिए, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, समझिएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो 9×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर c⁻²। इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं 9×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर और बटा में c² लिख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, आप लोग अगर पढ़े हैं तो इसका कमेंट में जवाब दे दीजिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? तो एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर कितने बल से प्रतिकर्षित करेगी? तो बल होगा दोस्तों 9×10⁻⁹ न्यूटन के बल से वो क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, मतलब धक्का देगी, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश होगा, तो 1 कूलम आवेश होता है 6.625×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। अगला जो क्वेश्चन है, 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकंड होता है, यानी 1 कूलम बटा में 1 सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं मीटर, यहाँ पर है ना, मीटर चला जाएगा नीचे, c/m भी आप लिख सकते हैं इसको, यानी c/m यानी क्या है, कूलम प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक, डबल लिखा गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा c·m²−k², ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो c·m²−k³ होगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कूलम बल है, तो कूलम बल दोस्तों होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परावैद्युतता का विमाय है, तो a·m² है, t·4 है और m·−1 है और l·−2 है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है
सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है एन बटा सी यानी न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। या तो ये एग्जाम में आपको आ जाएगा या ये आ जाएगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्रोत आवेश वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आवेश क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स जो है दोस्तों ये अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है स्टेरेडियन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गॉस का परिमेय, तो गॉस का प्रमेय दोस्तों आप लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से कि किसी बंद तल से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश के एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है मुक्त आकाश का परिवैद्यता है। देखिए, जब किसी बंद, ये बंद है, बंद तल से आवेश को गुजारा जाता है तो ये क्या बन गया, विद्युत फ्लक्स बन गया। तो विद्युत फ्लक्स के कुल आवेश हुआ एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखिए ये आप ट्रिक याद रख लीजिए, कुल जो है ना, जब किसी बंद पृष्ठ से आवेश गुजारा जाता है तो इसका कुल आवेश का वन बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हो गया गॉस का प्रमेय। चलिए